गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विषय विज्ञान अध्याय एक पार्ट नंबर 4 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 3 में मैंने आपको तीन प्रश्नों के बारे में अभ्यास कराए थे। अब मैं आपको चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर बच्चों क्या होगा इसका आंसर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। सूर्य क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की से भोजन बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल यानी प्रणहरित की उपस्थिति में होता है। तो किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करते हैं तो आपस में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऐसा ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, क्लोरोफिल अपना वर्णक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है तथा कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च मंड के रूप में संचित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंडियों पत्तियों में क्या होता है, स्टार्च मंड के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, पांचवा प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, एक प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए। पादप है बच्चों, पादप को कौन खा जाता है बच्चों, टिड्डी खा जाती है। पादप को कौन खा जाता है, पेड़ पत्तियों को, टिड्डी खा जाती है। टिड्डी को क्या खा जाता है बच्चों, मेंढक खा जाता है। मेंढक को क्या खा जाता है बच्चों, सांप खा जाता है। तो सांप, सांप को कौन खा जाता है बच्चों, बाज खा जाता है। और बाज को कौन खा जाता है बच्चों, सूक्ष्म जीव। जब बाज मर जाता है तो उसमें सूक्ष्म जीव जो जीवाणु वगैरह उनमें लग जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो बाज का अपघटन कर देते हैं और वो उसको किस में मिला देते हैं, मिट्टी में। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक पादप को टिड्डी खा रहा है, टिड्डी को मेंढक खा रहा है, एक दूसरे को आपस में वो उनका प्रवाह चित्र आपस में चल रहा है, एक दूसरे को प्रवाह का मतलब पानी की तरह वो कर रहे हैं। ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला में पादप है, पादप को टिड्डी खा जाता है, टिड्डी को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है और बाज को कौन खा जाते हैं, सूक्ष्म जीव खा जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है बच्चों हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के खे घे घे, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं। खे में पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है। घे प्रकाश संश्लेषण के क्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। घे प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं तथा रिक्त स्थान का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, के का है आंसर है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वपोषी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खे पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च मंड के रूप में होता है। इसके रूप में होता है बच्चों, स्टार्च मंड के रूप में होता है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है या स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों,
पर्णहरित कह सकते हैं या क्लोरोफिल कह सकते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं तथा कौन सी गैस का उत्पादन करते हैं। तो कौन सी गैस लेते हैं बच्चों पादप प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, CO2। कौन से लेते हैं बच्चों, CO2। CO2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा ऑक्सीजन O2 तथा ऑक्सीजन O2 का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन O2 का उत्पादन का मतलब ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा सातवां प्रश्न, हेलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न, निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। के पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या कहलाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, जो दूसरे पेड़ के सहारे चढ़ते हैं, पीले पीले से तंतु होते हैं, जो किसके होते हैं वो बच्चों, अमरबेल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अमरबेल हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा खे, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं क्या कहलाता है बच्चों, घटपर्णी पादप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, घटपर्णी पादप कहलाता है। गे, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है क्या कहलाते हैं बच्चों, पर्णरंध्र कहलाते हैं। अगला है बच्चों हमारा, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, इस तरीके का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी परपोषी अगला प्रश्न है बच्चों हमारा आठवां प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान यानी सही इस तरीके का चिन्ह लगाना है आपको सही का। के अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोष, के पहले में दे रखा है स्वपोषी, दूसरे में दे रखा है परजीवी, तीसरे में दे रखा है मृतजीवी, चौथे में दे रखा है परपोषी का। तो कौन क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, परजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आंसर किस प्रकार हो जाएगा बच्चों इसका, आंसर हो जाएगा दूसरा, के का दूसरा क्या हो जाएगा, परजीवी। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा आठवां का खे, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है बच्चों, घटपर्णी पिचर पादप। नौवां प्रश्न है बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए में दे रखे हैं के में क्लोरोफिल, खे में नाइट्रोजन, घे में अमरबेल, घे में जंतु और चे में कीट पक्षी। इधर दे रखा है कॉलम बी में हमारे एक दो तीन चार पाँच, पहले में जीवाणु, दूसरे में परपोषी, तीसरे में घटपर्णी पिचर पादप, चौथे में पत्ती और पांचवे में परजीवी। इसका मिलान करना है तो बच्चों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है बच्चों, पत्ती में। नाइट्रोजन किस में होता है बच्चों, जीवाणु। अमरबेल किस में हो जाएगा बच्चों, परजीवी। जंतु किस में हो जाएगा बच्चों, परपोषित। कीट पक्षी किस में हो जाएगा बच्चों, घटपर्णी पिचर पादप। तो ये इनके आंसर हुए बच्चों। तो इनका आंसर हमको बच्चों किस प्रकार करना है, इसका आंसर कर देंगे हम प्रश्न नौ का आंसर, के खे गे घे चे। तो पहले के में क्या हो जाएगा बच्चों, के में चौथा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आप लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। के में क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बच्चों, पत्ती हो जाएगा।
खे में क्या हो जाएगा बच्चों, खे में हो जाएगा फैला बच्चों, पहला जीवाणु। इस तरीके से आपको इसका 9वें प्रश्न का आंसर करना है, 9वें प्रश्न का आंसर। गय में हो जाएगा बच्चों गय अमरबेल, अमरबेल में क्या हो जाएगा बच्चों, पांचवा परजीवी हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, परजीवी हो जाएगा। और गय में क्या हो जाएगा बच्चों, जंतु, दूसरा हो जाएगा परपोषित, दूसरा हो जाएगा परपोषित। और चय में कीट वक्षी में क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा घटपर्णी, घटपर्णी, घटपर्णी इच्छर पादप। इस तरीके से आपको आंसर करना है बच्चों 9वें प्रश्न का। ये मैंने आपको वैसे बताए हैं एक शॉर्ट तरीके से, लेकिन आपको आंसर लिखना है तो बच्चों इस तरीके से ही आपको आंसर लिखना है, जो आपको एकदम बिल्कुल एग्जामिनर चेक करें उसको सही लगे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, यानी आपको सही और गलत का चयन करना है 10वें प्रश्न में। तो क्या है हमारा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था बच्चों आपको क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, कह में प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा बच्चों, एफ फाल्स हो जाएगा। खे, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, नहीं, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, मृत जीवी तो कहते नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, एफ हो जाएगा बच्चों, फाल्स। अगला है गे, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। टी और जो एफ बता रहा हूँ बच्चों मैं, इसका टी का मतलब है ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य और एफ का मतलब है फाल्स, फाल्स का मतलब गलत। अगला है बच्चों घे, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, इसमें टी हो जाएगा बच्चों, ट्रू यानी सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प का चयन कीजिए, 11वें प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना है आपको, चार प्रश्न दे रखे हैं आपको, चार में से आपको लिखने कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। के, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी पादप का कौन सा भाग है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो कौन सा भाग होता है बच्चों, पत्ती में होता है बच्चों, कौन सा होता है, रंध्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ बच्चों ध्यान रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है के में जड़, खे में तना, गे में पुष्प और घे में क्या है, पत्तियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पत्तियां हो जाएगा बच्चों। तो 12वें प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे बच्चों हम, 12 यानी घे ये लिख देंगे हम, और क्या कर देंगे इसमें हम, पत्तियां कर देंगे बच्चों, तो पत्तियां हो जाएंगी।
तो आज के अभ्यास प्रश्न हमारे समाप्त हुए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग।